लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। पिछले दिनों शहर में एक बेहतरीन नाटक खेल कर गए। जितने बेहतरीन एक्टर और राइटर हैं, उतने ही कमाल के किसागो भी हैं। सौरभ 19 साल की उम्र में सिर से बाल झड़ जाने से हुई कैफियत से लेकर सत्या जैसी हिट फिल्म के बाद 6 साल तक काम न मिलने तक के कई किस्से सुनाए। जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा चुटकुले किन्होंने लिखे हैं? यहूदियों ने। पूरी दुनिया में यही जोक्स आज भी सुनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इनके किरदार पठान, इंग्लैंड में आयरिश और हिंदुस्तान में सरदार हैं। असल में यहूदियों ने अपनी जिंदगी में इतने जुल्म, इतने दर्द देखे थे कि यह हास्य उनके लिए जीने की जरूरत बन गया था। मेरा अनुभव जिंदगी के बारे में यही है कि जहां जितना दर्द है वहां उतना हास्य होगा, जहां जितनी तकलीफें हैं वहां ह्यूमर उतना ही तीखा और तेज होगा। असल में ट्रेजेडी और कॉमेडी एक दूसरे के साथ गलबहियां करते हुए चलती हैं। कभी देखिए तो सही गम में मुस्कुराकर, बेशक दुख कम नहीं होगा लेकिन उसे सहने की ताकत आ जाएगी, हास्य आपको थाम लेगा। रूबरू है सौरभ शुक्ला मलंग, फकड़ स्पष्टवादी सौरभ। मुझे किसी ने कहा था तुम स्टेज पर खड़े होते हो और तुम्हें देखकर लगता है यार क्या कमाल है यह आदमी। असल में रंगमंच ही मेरी जगह है, मेरा डोमेन है ये। जबकि 19 साल की उम्र में मेरे सारे बाल झड़ गए थे, बहुत घबराता था मैं कि अब एक्टर कैसे बनूंगा, लेकिन मुझे मिला जो मैं चाहता था। लाइट का फोकस मुझ पर आता है और एक बार फिर मुझे इत्मीनान हो जाता है कि सौरभ यही है तेरी जगह। हर किसी की अपनी एक जगह होती है। जैसे मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, मेरे टीचर जब कोर्ट में पहुँचते हैं और रैकेट लेकर जब वो झुकते हैं तो लगता है यार क्या बात है, क्या बॉडी लैंग्वेज है। हर किसी का एक डोमेन है। लोग अक्सर दूसरों के डोमेन में खुद को तलाशते हैं, अपने आप से मिल ही नहीं पाते। मेरा डोमेन मेरा स्टेज, मेरा ग्राफिक है। सबसे झूठ बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद से मत बोलो, खुद को खुश रखो। दिल की सुनो, जिंदगी सब सिखा देगी।